भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने कहा कि आजादी के इतने साल बाद भी देश में दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और शासन प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। बागेश्वर धाम महाराज के भाई के खिलाफ पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही थी, आंदोलन की धमकी देने पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने छतरपुर में विशाल रैली निकाली। रैली को संबोधित करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि देश को आजाद हुए आज 75 वर्ष हो गए, उसके बाद भी देश का बहुजन समाज बुनियादी अधिकारों से वंचित है। इतने दिनों बाद भी बहुजन समाज को अन्याय और अत्याचार का सामना करना पड़ रहा है। चंद्रशेखर ने कहा कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई ने दलित को बंदूक की नोक पर डराया धमकाया, फिर भी पुलिस प्रशासन ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन जब मैंने छतरपुर पुलिस के खिलाफ आंदोलन की धमकी दी तो उसके बाद पुलिस ने आंदोलन के डर से मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। फिर भी आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई, लेकिन हम आरोपी पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं। तो उसे गलतफहमी हुई कि वो शराब के नशे में गया और पट्टा पिस्टल जो भी हो वो लहराते हुए उसने हमारे लोगों को प्रॉमिस किया, हमारे परिवार को बेइज्जत किया, हमारे लोगों को गालियां दी, हमारी बहन की शादी को डिस्टर्ब किया, उनको धमकाया, हमारे लोगों ने आगे बढ़ के जब मुकाबला किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। जब मैंने घोषणा की कि हमारे 17 तारीख में सरकार सुन ले, इन्हें लगा यहाँ के एसपी भी है भैया, मेरी बात को याद रखना एसपी महोदय, जिस दिन सरकार बदलेगी मुख्यमंत्री नहीं बताएगा आपको, कानून के दंड में बहुत ताकत है, कभी हमारी कभी तुम्हारी, याद रखना मेरे लोग भी तुम्हारी इस चोट का जवाब बहुत से देंगे, याद रखना, बोल करो मेरे नौजवान सिपाही को, मेरे योद्धाओं, उनको पता था कि जब चंद्रशेखर आके लड़ेगा तो वो कहेगा 307 में पर्चा दर्ज तुमने किया, मैं वकील हूँ, वो पूछेगा कि दफा 25 का मुकदमा क्यों नहीं लेकर लगाया हुआ अवैध अस्त्र लेकर घूम रहा था। बाबा जी ने हमारे परिवार को बुलाया, डरा परिवार भी डर गया क्योंकि बहुत ताकतवर व्यक्ति है, मुख्यमंत्री इनके यहाँ बैठे रहते, आईजी डीआईजी एसपी इनके यहाँ बैठे रहते, उनको लगा कि इनके सामने कौन लड़ेगा। लेकिन जैसे ही ये नीले पट्टे वाले पीले पट्टे वाले उनके पास पहुंचे, फिर उसने कहा कि नहीं चोट में ही पट्टा था, फिर उसने कहा कि नहीं पाखंडी को जेल में होना चाहिए। इन्होंने जानबूझ के इससे पहले मैं आ जाऊं और मैं 307 और दफा 25 एड कर रहा हूं और फिर उसको बेल भी मिलेगी, इन्होंने संविधान से डर के उसको गिरफ्तार कराया और फिर उसको न्यायपालिका में हस्तक्षेप करके उसको बेल दिलवा दी। और लोग कहते हैं वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण, दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।